हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कैसे हो सब? मैं हूं सुमेधा और आज की वीडियो होने वाली मिशो ज्वेलरी हॉल। काफ़ी प्रीमियम ज्वेलरी मैंने पिक करे हैं एंड मोस्टली आर रिप्लिका, मीन्स लाइक अंकिता लोखंडे को मैंने वेयर किए देखा था, इवन माधुरी दीक्षित को भी मैंने देखा। मैं पिक्चर्स में पेस्ट करती जाऊंगी एंड स्पेशली आज की हाईलाइट है दैट इज़ कियारा आडवाणी की वेडिंग लहंगे के साथ जो उन्होंने ज्वेलरी वेयर की थी ना, दैट हैज़ माई हार्ट। जिस दिन मैंने ये पिक्चर देखी वेडिंग वाली, उसके बाद ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। मतलब उसे 3 दिन मैंने पूरे सर्फिंग की, पिंटरेस्ट मैंने ढूंढ डाला जो भी मुझे लेटेस्ट कलेक्शन मिले मीशो पे एंड ऑफ कोर्स अमेजोन पे भी मिले हैं, उसकी भी लिंक्स मैं दे दूंगी। सारे की क्वालिटी एंड डिटेल बताती जाऊंगी, सो दैट आई एम सॉरी फॉर द नॉइस। इन केस अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू विल नॉट रिग्रेट। वन मोर थिंग, जो मैंने पास्ट में जितने मीशो हॉल शेयर किए ना ज्वेलरी हॉल, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की कलेक्शन में अमेरिकन डायमंड का टच ज़्यादा आपको दिखेगा, मीन्स लेटेस्ट जो अभी हाईलाइट है ना। एंड ये शॉपिंग जो मैंने करी है ना, पूरी की पूरी शॉपिंग, ये शॉपिंग हॉल वीडियो के लिए ही नहीं थी, एक्चुअली मेरे ब्रदर्स वेडिंग में मैंने वेयर करने के लिए सारी ज्वेलरी मैंने ऑर्डर करी थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, तो दिस विल बी अ रिव्यू वीडियो फॉर यू गाइस। अगर आप बाय कर रहे हो या बाय करने वाले हो या फिर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द लोएस्ट अमाउंट, वो दिस इज द सेट एंड ये 118 में मुझे पड़ा है एंड इतना ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन है, कहीं से भी नहीं लग रहा यार ये 118 रुपीज़ का है। इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं आई थी, सिल्वर मैंने चूज़ किया, आई थिंक इसमें गोल्डन भी था, या 3 से 4 ऑप्शन इस सेम कैटेगरी से मुझे पसंद आए थे। उसकी क्लिप्स यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी एंड कोड्स अगर आप चाहोगे ना कमेंट में ज़रूर बताना। अंदर के साइड से भी अच्छी है फिनिशिंग, कहीं से भी कोई चीज या फिर कहीं से भी कुछ लगने का कुछ भी नहीं इश्यू है। एंड यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, बहुत हेवी अगर आपने वेयर किया हुआ है या बहुत लाइट वेयर किया हुआ है या वेस्टर्न वेयर किया हुआ है, ये सभी के साथ जाएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सेट लगा, दैट्स व्हाई ऑर्डर्ड, सो टोटली वर्थ इट। एंड इस तरह से पैकेजिंग में आई थी लाइक प्लास्टिक पाउच में ऐसे। ओके, बिफोर मूविंग टू ज्वेलरी सेट्स, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी माई ओन एक्सपीरियंस अबाउट माई हेयर फॉल। एक्चुअली लास्ट 1 मंथ से मैं लगातार ट्रैवल कर रही हूँ, अगर आपने शॉर्ट्स देखा हुआ होगा तो कंटिन्यूअस मैं ट्रेनिंग का सफ़र कर रही हूँ, पहले एंगेजमेंट, फिर मैं शादी की सारे शॉपिंग, उसके बाद हेयर फॉल काफ़ी स्टार्ट हो गया था एंड डैंड्रफ की थोड़ी सी इशू आने लगी थी। सो देन आई स्विच टू मामाअर्थ। ऐसे मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन देयर ऐप वेबसाइट एज वेल एज नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड ऑफलाइन। अप्लाई करने में लाइक क्रीमी टेक्सचर है एंड जितना मैंने हथेली पे लिया है उतने ही में मेरे पूरे बाल वॉश हो गए थे, जबकि मैंने वॉयलिंग की थी लास्ट नाइट। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि क्वांटिटी अगर कम यूज़ होती है ना तो आप जो शैम्पू है वो ज़्यादा टाइम आपके साथ रहती है एंड वेस्टेज कम होता है एंड ऑफकोर्स ये रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़, तो प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। यू कैन स्विच टू मामाअर्थ का एंटी डैंड्रफ लेमन एंड जिंजर वाला शैम्पू, क्योंकि लेमन बहुत अच्छा होता है स्कैल्प के लिए एंड स्पेशली फॉर डैंड्रफ, एंड जिंजर बहुत अच्छा होता है, दैट मीन्स रूट से हेयर फॉल जो होते हैं ना मैंने फेस किया है, तो आई स्विच टू दैट जिंजर का जूस वगैरह अप्लाई करना, तो इन दैट वे भी दिस इज़ वेरी नाइस फॉर योर स्कैल्प, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है ना कि हम DIY हमेशा ट्राई करें, तो उस अकॉर्डिंग मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ट्रस्टेड ब्रांड पे ही स्विच करूँ एंड मामा इज़ द ब्रांड जिस पे हम आराम से आकर करके ट्रस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी माई हेयर टेक्स्चर, मैंने कोई स्ट्रेटनिंग, कोई सीरम, कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, हेयर वॉश किया है जस्ट टू शो यू कि आफ्टर वॉशिंग माई हेयर कैसी टेक्स्चर दिख रही है, इस तरह की शाइन है। दिस इज अ रियल रिव्यू टू यू, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो यूज माई कूपन कोड फॉर मोर डिस्काउंट, दैट इज संवेदना 2023, बाय करो एंड ट्राई करो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। इज द नेक्स्ट सेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड द बेस्ट थिंग कि मैं एक दिन मैंने पूरा कंटिन्यू पूरी रात मैंने वेयर किया है,
उसके बाद भी कोई शाइन, कोई किसी तरह की डैमेज नहीं हुई है। ऑलमोस्ट डांस मैंने किया है कितना ज़्यादा, उसके बाद भी कोई इशू नहीं आई। सो आई लव इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लोजअप। यहाँ पे आपको पूरा कुंदन, आई थिंक इसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो स्टोन वर्क होते हैं ना, उसके साइड में पूरा जर्कन अमेरिकन डायमंड, एक सिंगल सिंगल में सारे चारों तरफ आपको अमेरिकन डायमंड का वर्क आएगा एंड गोल्डन सी लाइनिंग है। सेम लुक वाले में आपको 3 से 4 या 5 से 6 ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिप शेयर कर दूंगी। मैंने सारे विशलिस्ट किए थे पर लास्टली फिर मैंने ये ऑर्डर किया। आई थिंक 5 या 550 के अराउंड इसकी प्राइस थी, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस। इसके साथ इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी आई है, जो साड़ियों के साथ सिर्फ इयररिंग भी वेयर कर लो ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। एंड इसकी इयरिंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगी है। एंड सेम सेट मैंने आई थिंक अंकिता, सेम नहीं मीन्स मिलता जुलता यार, उनका तो ऑफकोर्स लाखों का होगा एंड ये तो वही 500 के आसपास का है। ये दिस इज़ अ रिप्लिका, सो काफ़ी मिलता जुलता मैंने अंकिता लोखंडे या फिर माधुरी दीक्षित को भी वेयर किए हुए देखा है। एंड आई थिंक बहुत सारे ब्राइडल मैंने कुछ कुछ क्लिप्स देखी हुई थी पिंटरेस्ट पे, एंड जब मैंने ये वाला मीशो पे देखा दैन डिसाइड कर लिया था भाई इसमें एक तो चाहिए। आई थिंक ये ट्रेंड में रहने वाला है, ये वाला पैटर्न बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट चोकर, एंड इस तरह की चोकर मैंने बहुत सारे एक्टर्स को मतलब इसमें हेवी वाले भी देखे हैं वेयर किए हुए। इसमें लाइट में मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ये ना बहुत ब्राइडल लुक तो कैरी करना नहीं है मुझे। आई फील कि मुझे अगर कभी वेयर करना भी हुआ तो सिंपल साड़ियों के साथ या फिर रील्स में भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ। दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस सेट, क्योंकि ये मुझे काफ़ी सटल एंड काफ़ी बेस्ट लगा फॉर एनी ओकेजन। एंड इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कुंदन वाला पैटर्न भी है, ग्रीन का टच है, प्लस यहाँ पे स्टोन भी लगे हुए हैं। एंड इस सेट का सिर्फ गोल्डन टच है, अदरवाइज जो भी मैंने रिंग्स दिखाए हैं सारे सिल्वर टच में हैं। इस तरह से बैक साइड से आपको दिखेगी, फ्रंट से इस तरह से दिखेगी। एंड डोरी वगैरह की भी क्वालिटी अच्छी है, गोल्डन डोरी है, यहाँ पे मोती दी हुई है जो एडजस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ नाइस। एंड इसकी जो स्टर्ट भी है ना दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, क्योंकि सिंपल सी कुर्ती किस सिंपल सी साड़ियों के साथ किसी भी ओकेजन पे यू कैन स्टाइल। इसकी भी प्राइस 500 के अराउंड थी, प्राइस भी सही थी एंड क्वालिटी भी अच्छी आई है। मूविंग टू नेक्स्ट ज्वेलरी, इस ज्वेलरी की इंस्पिरेशन मैंने ली है कियारा आडवाणी की वेडिंग ज्वेलरी से। ऑफकोर्स हर ज्वेलरी एज द हाईलाइट, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही थी एंड ऑफकोर्स उनकी ज्वेलरी लाखों की होगी। उससे सिमला मैंने बहुत ज़्यादा सर्फिंग की एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने DM करके पूछा था। आई थिंक 6-7 thousand का सिमिलर था, सेम नहीं था, सेम तो मैं मिलने वाला नहीं, शायद आगे जाके कहीं रिप्लिका आपको दिख जाए तो अलग बात है। सो फिर मैंने मीशो पे सर्च आउट किया एंड अमेजोन पे भी मुझे दिखा एंड आई थिंक आजियो पे भी दिखा था, तो आजियो वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ऑफकोर्स वो थोड़ा हेवी में था, जितनी ज़्यादा ज्वेलरी हेवी होगी ना उतनी ज़्यादा प्राइसेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैंने मिड प्राइस चूज़ करी एंड आई थिंक ये भी मेरे लिए ज़्यादा ही थी क्योंकि मैंने 1000 का बजट रखा था पर ये 1000 एक्सीड कर गई थी। आई थिंक 1400 या 1500 मैंने पे करी इसके लिए। सो दिस इज़ द ज्वेलरी जो मैंने ग्रीन स्टोन वाली ज्वेलरी पिक करी है। ऑफकोर्स इसकी जो हेवीनेस नहीं है, ये काफ़ी लाइट सटल है जो हम कभी भी वेयर कर सकते हैं एंड इस ये पूरी पूरी सिल्वर कलर में है। इसमें ध्यान से देखोगे तो बड़े बड़े स्टोन है एंड इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे एंड इसमें पर्ल की भी डिटेलिंग है। एंड उसके अलावा इसमें बहुत अच्छा प्रीमियम जर्कन, मतलब जो स्टोन होते हैं ना अमेरिकन डायमंड की, मतलब प्लेसिंग जो है ना दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है ये। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अमेरिकन या सिल्वर टच वाली ज्वेलरी बाय करी है जस्ट आफ्टर वॉचिंग हर ज्वेलरी सेट। एंड उसके बाद तो बस ग्रीन पे पता नहीं क्यों शिफ्ट हो गई अचानक से। बाय द वे इस सेम कलर ऑप्शन में ना आपको बहुत सारे ज्वेलरी सेट मिल जाएंगे मीशो पे, अमेजोन पे, जो भी वहीं जहाँ भी मुझे मिलेंगे। 800 में मैंने अमेजोन पे देखा था पर तब तक मैं ये ऑर्डर कर चुकी थी इसलिए फिर मैंने
उसे नहीं ऑर्डर किया है। इसके साथ ये इयरिंग आई है, इयरिंग भी काफ़ी क्यूट सी है जो कभी भी वेयर किया जा सकता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा केयर तो करना होगा यार, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कुछ स्टोन निकलते हैं ना तो फिर बेकार लगेगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से रखना होगा। एंड ये इस तरह के बॉक्स में आया था, एंड आई थिंक कोई एक ज्वेलरी इस बॉक्स में आई थी इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में। सो फिर मैंने क्यारा आडवाणी जो उन्होंने मांग टीका वेयर किया था ना, उसकी सिमिलर मैंने सर्च आउट की मीशो पे, मीशो पे दिखी, बट दैट टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक थी, 300 के अराउंड इसकी प्राइस थी। फिर मैंने लोकल शॉप से ये वाला मांग टीका बाय किया है, काफ़ी हद तक सिमिलर है जो क्यारा आडवाणी ने वेयर किया है उससे मिलता जुलता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना आज की कलेक्शन आपको कैसी लगी है, एंड ज़्यादा शेयर करना। एंड ये मैंने लोकल शॉप से आई थिंक 550 में मैंने बाय करा है, यू कैन सी यहाँ पे मेंशन भी है दैट 550 प्राइस। सो जब अच्छी एक्सपीरियंस रहती है तो कुछ ना कुछ बुरा भी हो ही जाता है, तो यहाँ पे मैंने दो और सेट मंगाए थे जिसमें से एक ये है और एक डिफरेंट आई थी जिसकी रिफ़ंड आज तक आ ही नहीं पाई। अब वो सेट मैं वहीं छोड़ के आई हूँ, सो कांट शेयर द पिक। एंड उसकी जो एक्चुअल पिक है जो मीशो पे है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी अमेरिकन डायमंड में थी। बाय द वे इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही हल्की है, एंड शायद पिक्चर में अच्छी लग रही हो पर क्वालिटी बहुत लो दिख रही थी, एंड कहीं कहीं स्टोन भी इसका निकला हुआ था। तो आई थिंक ये 750 की थी, उस अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, दैट्स वाई आई रिटर्न दिस। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी थाट बता। सो नाउ आई एम शोइंग यू आज की लास्ट ज्वेलरी सेट दैट इज अगेन इंस्पायर्ड बाई क्यारा आडवाणी एंड मोर सच एक्ट्रेस जिन्होंने भी अमेरिकन डायमंड वाली लुक वाली ज्वेलरी वेयर की है। ये मैंने पिंक कलर मंगाया, इसमें भी आपको ग्रीन टच वाली मिल जाएगी। एंड इस तरह की सिमला मैंने पिंटरेस्ट पे इतनी ज़्यादा देखी ना कि बस नज़र में मेरे बस गए कि मुझे तो चाहिए। एंड क्लोजअप में देखना बहुत ब्यूटीफुल शाइन है, एक्चुअल में शाइन है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में इसकी शाइन इतनी ब्यूटीफुल है, जो भी जर्कन या स्टोन क्या बोलते हैं इसे, शाइन इसकी बहुत प्रीमियम लुक दे रही है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि यार मीशो से बाय करा हुआ है। एंड मैं बहुत डर रही थी कि मीशो के एक्सपीरियंस मेरे ना बहुत डाउन रहे हैं, मतलब अच्छे बुरे दोनों रहे हैं। एंड ये रही इसकी एयरिंग्स, सिंगल एयरिंग भी यू कैन वेयर एंड विथ सेट भी बहुत प्यारा लगेगा। इसमें पिंक कलर वाला टच है, लाइट पिंक मैंने चूज करा है, क्योंकि ऑफकोर्स एक ग्रीन में मैंने बाय करा था तो आई थॉट कि थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हॉल वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी आफ्टर फ्रॉम स्क्रैच, आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। यहाँ जम्मू से मैंने कपड़े कैसे क्या किए सब चीज़ मैं बताऊँगी इन डिटेल। एंड जाते जाते प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड जल्द ही मैं गिव अवे फिर से अनाउंस करने वाली हूँ, एंड कमेंट करके जरूर बताना, ढेर सारे कमेंट्स करना, आई लव रीडिंग ऑल द कमेंट्स। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।